अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे छोले या फिर जिसे चन्ने भी कहते हैं। ये वही चन्ने हैं जो कि सुबह हम नाश्ते में पूरियों के साथ या पराठों के साथ बाज़ार से लेकर खाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अच्छी क्वालिटी के चन्ने चाहिए। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के चन्ने ले रही हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए तो आप छोटे चन्ने ही यूज़ करें। छोटे वाले चन्ने बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसको मैंने सिंपली धोकर इसको स्ट्रेन करके छलनी में से छान कर इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लगाकर इसे मिक्स कर लिया है और इसे अब हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। नॉर्मली तो ये बड़ी बड़ी पतीलियों में या फिर देचियों में बनता है, यहाँ पे आज मैं प्रेशर कुकर को यूज़ करूँगी। तकरीबन 4 कप मैं यहाँ पे चने ले रही हूँ और इसे हमने भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, बस धोकर स्ट्रेन करके इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाकर इसे हमने यूज़ करना है। इसमें अब हम प्याज डालेंगे। यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ। लहसुन के जगह 3 से 4 अदद हम इसमें डालेंगे। नमक मैं यहाँ पे इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं आपको जो शो कर रही हूँ ये 1/2 टेबलस्पून का चम्मच है, लेकिन ये मैंने 2 दफ़ा इसमें यूज़ किया है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सिर्फ 1-1 चम्मच आपको दिखा रही हूँ। सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच यूज़ करूँगी, खाने का चम्मच। अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी यूज़ कर सकती हैं। ये यखनी है, चिकन की यखनी है। याद रखें कि चिकन या बीफ की आपने फ्रेश यखनी लेनी है। 3 लीटर मैं इसमें ये डालूंगी। आपने कोई ऐसा चिकन स्टॉक के लिए क्यूब वगैरह यूज़ नहीं करना। फ्रेश जो चिकन की हड्डियाँ या फिर बीफ की हड्डियाँ होती हैं तो उसी में से यखनी निकाल कर आपने रख लेना है। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुक करने के लिए हमें तकरीबन 30 से 40 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन ये मोस्टली अगर आप इसे पतीले में पका रही हैं तो ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो जैसे ही आप इसको बीच बीच में चेक करते रहें, अगर इसमें पानी कम हो रहा हो तो इसमें आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बल्कि वही आपने ऐड करना है जो कि आपने स्टार्ट में यखनी ऐड की थी। तो वही यखनी आपने गर्म करके ऐड करनी है, ठंडी यखनी आपने इसमें ऐड नहीं करनी। गर्म की हुई यखनी आप इसमें ऐड करते जाएंगे और जब तक के चने अच्छे से गल ना जाए आपने इसको कुक कर लेना है। नॉर्मली प्रेशर कुकर में 40 से 50 मिनट लगते हैं और अगर आप ऐसे ही पतीले में इसे बनाना चाहें तो पतीले में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं इसे कुक होने में। चने हमारे अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप घी ही लें, ऑयल के बजाय आप घी लें। तकरीबन 1 कप मैं यहाँ पे घी गरम कर रही हूँ। इसमें मैं देगी लाल मिर्च, जो कि कलर वाली लाल मिर्चें होती हैं, देगी लाल मिर्चें, वो मैं इसमें 2 टेबलस्पून डालूंगी। यहाँ पे मैं फिर से इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, जो कि नॉर्मल रेड चिली पाउडर होती है, तो वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं अगर आपको कम मिर्चें पसंद हो। अब हम इसमें सिट्रिक एसिड शामिल करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें खटास लाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसमें खटाई पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। हमने इसे भूनना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छे से हम मसाला भून लेंगे और अगर जलने का अंदेशा हो तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, लेकिन 5 मिनट से कम आपने इसको नहीं भूनना। अब हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। आँच आप बंद कर दें तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और ऑयल आप ऊपर से थोड़ा सा निकाल लें, बाद में इसे गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। थोड़े से चने तकरीबन 1 कप के करीब मैं यहाँ से इससे निकालूंगी और इसे मैश करके इसी में वापस मैं ऐड करूँगी। जो बाकी का तड़का रह गया था वो हम इसी में ऐड करेंगे। छोलों में हमने वो तड़का ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल लिया था और बाकी का मैंने इसी के ऊपर डाल लिया है। काली मिर्च का पाउडर फ्रेश ग्राउंड किया हुआ, फ्रेश ताज़ा कुटा हुआ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पे एक छोटी सी टिप है, मैं इसमें बेकिंग
सोडा ऐड करी हूँ, जस्ट चुटकी भर आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। इससे ये होगा कि चने आपके बहुत ही लजीज बनेंगे और इसका इसकी जो ग्रेवी होगी वो गाढ़ी हो जाएगी। अब हमने इसे ढककर कुक करना है, ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसे कुक करना है। याद रखें कि मीठे सोडे से और बीच में जो आप चनों का इसका पेस्ट बनाकर इसमें यूज़ करती हैं तो इससे इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। इसमें कोई उबले हुए आलू नहीं डलते, कोई दाल वगैरह इसमें आप नहीं डालेंगी। और ये 15 मिनट हो चुके हैं, चने हमारे रेडी हैं। ये आप देख सकती हैं ऑयल इसका अच्छा खासा ऊपर आ गया है, ग्रेवी इसकी अच्छे से थिक हो गई है। तो ये छोले हमारे रेडी हैं, आप इसे सर्व कीजिए पूरियों के साथ, पराठों के साथ, बहुत ही लजीज बनते हैं। और ये स्पेशली हमारी एक व्यूअर है महक खान, ये उनके रिक्वेस्ट पर आज मैंने बनाए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।